अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। तहसीन ये वाला ठीक है, ठीक ले लो इसके लिए, पूरा पैकेट ले लो। हाँ ये ले लो। हेलो गाइस, कैसी हैं, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम आपका मेरे एक न्यू खूबसूरत से व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत आज एक रोजे से हो रही है। आज हमारा रोजा है, मेरे शक्ल से आपको दिख रहा होगा, एक मासूम से चेहरा आपको दिख रहा होगा कि आज हमारा रोजा है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आज एक्चुअली हम जा रहे हैं अपने दशरी, ठीक है। आज हम जा रहे हैं इसलिए अपने फ्लैट का राशन लेने के लिए। देखिए सारा लिखा हुआ है, घी चीनी चीनी लिखी हुई है, लेकिन ये तो लिखी हुई है, लेकिन अभी जाएंगे वहाँ पे देखना है क्या क्या राशन हमें चाहिए, वो लेंगे। क्योंकि फ्लैट में राशन वगैरह हमने बहुत कम नहीं डाला, मतलब रमजान का राशन अभी तक डाला ही नहीं है, तो वो डालना पड़ेगा। हाँ ये कर लो, पहले ब्लॉग है, पहला रोजा है। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में? नथिंग, भूखा। बंदा यही बोल देता है कि बंदे इबादत किया करो, ये यार सीन आपको रास्ते में आपको सीन दिखाते हैं। चलो भाई, 2000 years later। बस अभी यहाँ पे करीब एक शॉप थी, वहाँ पे आया है सामान शामान लेने के लिए। आओ सही सही दे, ये ले आओ, उठाओ उठाओ इसे उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। डब्बा बहुत प्यारा बना है तो वाकई यार, लेफ्ट वाले खर्चे करी, लेफ्ट वाले देखो खर्चा किया हुआ है, डब्बा शब्बा बड़ी कीमती बना लिया वड़ा वड़ा हेड शोड़ वड़ा क्लियर हेड शोड़ सही है, दस खा धुंधड़ सा दिन बोले हेड शोड़ सही था। ये गाइस हमारा राशन रेडी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी ना लगा? नहीं नहीं नहीं, अरे माशू इस बच्चे के लिए ले लो, नहीं ये इस बच्चे के लिए ले लो। हाँ वो तो उसको भी चाहिए, कैचअप वगैरह अगर चाहिए, पड़ा हुआ मेरे ख्याल से फ्लैट में, पड़ा हुआ है ना, जो पड़ा हुआ जो चीज पड़ी होती है वो नहीं लेनी। अच्छा राशन वगैरह हमारा रेडी हो चुका है, और कुछ चाहिए सोच लो, इससे ज्यादा राशन दे दिया। कुछ क्रीम श्रीम सफेद वाइटनेस के लिए, तहसीन ये वाला ठीक है, ठीक है बोले, शर्मे की बोले शर्मा की बोले, साफ बात है, इस्तेमाल एक ले लो इसके लिए, पूरा पैकेट ले लो। हाँ ये ले लो, लवली गोल्डन पर वगैरह अगर लेनी है, सफेद होना ही है ना, ईद आ रही है, ईद में वो गाने गाओगे, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे, शफर पड़ेंगे नहीं, डबल नहीं तो कर दे, सही है ठीक है। भाई जान कैसे हैं आप? फिट हैं? बहुत जबरदस्त है भाई। आपकी शॉप का क्या नाम है बता दे? अलीगढ़ शहर गैरी। सीरियसली गाइस बहुत अच्छी प्राइस है, मतलब हमें सीरियसली इसलिए मैं बहुत अच्छी क्वालिटी है, रेट भी मुनासिब है। थैंक यू सो मच। ओके जी लास्ट सामान, बाकी हमें अभी एक बाल्टी चाहिए जो वॉशरूम के लिए थोड़ी, क्योंकि नहीं है ना हमारे पास, तो वो अंकल दिखा रहे हैं हमें जी। बाल्टी तो साइड पे करो, वो साइड पे करो ना यार, अभी कोई बाइक वाला मार के चला जाएगा यार, कुछ भी अकल नहीं है आप लड़कों में दोनों में, बात तो सही है। दूसरे के माल पे नहीं, अपने पे तो होगी, सही बात है, अपने पे हर किसी की होता है, अपने पे होगी, अपने पे हर किसी की अकल होती है, लेकिन दूसरे पे नहीं होती। मारा दिल तक हो रहा है, कमशी पर आकर आ गया शेखोर, हो रहा है तो है खास तो दे सही सही है जो बोला सो, ओ पुख्तन दे यार, पुख्तन दे। अच्छा फाइनल किस में कितने हैं? कि 20 चाहिए, 650 दे देना, बस 600 ठीक है भाई जान। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज, और इसके अलावा अगर और कुछ चाहिए जब हम दुकान ना बहुत सुना, जितनी देर इधर रुकेंगे तो सीन ख़राब होगा, बस यही काफ़ी है जो कुछ लिया है। सीन था हिस्ट्री होगा तब डक सिगरेट्स के आइटम,
राजा जी। संगत उस्ताद सर संगत दी किलो 600 रुपए आ जाए 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 संगत जाए वा 600 रुपए खैर देखा ना गोरा उस्ताद रोजा या कचू दे पाए सवाब दे देगी खोलो किन तो देखी सवाब घटा अच्छा ओ सेक्रेटरी सेविंग जाते ले दे इन भाई का सेक्रेटरी साहब चेक करें संगत देखा सही सुर की सर रोजा दा अरे कचरो खा मां मखी कचरो सफरी दवा चाओ तहसीन भाई कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है फ्रेश लेने आएंगे रमजान अफ्तारी से 20 मिनट पहले आएंगे तो फ्रेश गरम गरम लेके जाएंगे। ये बात भी ठीक है वैसे, पहली बार इसने अकल की बात की है। इसकी बातों में तो मतलब जो अकल की बातें तो होती ही नहीं है, सारी ऐसी होती है कि दिमाग की दरोर होता है ना, आपका दिमाग क्वेटा में घूम रहा होता है ना। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। A few moments later, बाटी शर्टी भी हमने दे दी है और साथ में बस ये कुछ लिया है रुआबजे शुआबजे लिए हैं जो 15-20 दिन का सामान शुमान हमने ले लिया है क्योंकि आपको पता है ज़्यादा सामान हमें लेना नहीं था क्योंकि हमारे कुछ ही दिन है, उसके बाद ज़्यादा सामान लेंगे ज़ाया हो जाएगा ना, तो फिर ईद के बाद जब आएगा बंदा फिर दोबारा सही से राशन बंदा डाल देता है। लेकिन अभी ऐसा करना है, अभी ये सामान हमने बनाना भी है पकाना भी है जल्दी जल्दी, तो मैं कहता हूँ टाइम नहीं है, 2 घंटे ही है। ओह यार चैट हेयर, तो आज की हमारी इफ्तारी होगी 6:16 को, 2 घंटे रह गए सिर्फ, भूख लगी है सुबह से कुछ खाया नहीं यार। आप सुबह से कुछ खाए तो रोजे में होते ही है ना, सुबह से इतनी कुछ खाना पड़ेगा आपको। अच्छा तहसीन जो है वो पीछे रह गए क्योंकि वो चिकन वगैरह लेने गया हुआ सालन पकाने के लिए। एक गिलास यार अम्मी की याद आ रही है, ऐसे ऐसे करके अम्मी की याद आ रही है यार, ऐसे ऐसे करके उनको अंदाजा होता है कि भाई कितना पकाना है, वो उनका अपना एक लेवल है, लेकिन क्या करें आप इस टाइम में तो अम्मी की याद तो आएगी आपको। शांत शांत, बाकी अभी हमें इससे खोलना है ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है आजकल इसमें गिफ्ट शिफ्ट निकल रहे हैं, लोगों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ निकल रही हैं। ओह माय गॉड, ओ यार इसमें तो बिटकॉइन है। ओ ये तो एक बिटकॉइन निकल आया। नहीं यार बिटकॉइन किधर है? काश बिटकॉइन होता, नहीं शायद नीचे कुछ हो। ओ हो यार कसम से घी है इसमें। प्रैंक हो गया आपके साथ। टाइम कम है काम ज्यादा, लेकिन अभी एक चीज भूल गया, मैं फ्रूट लाना भूल गया ना, दूध लेके आए हैं तो वो जूस एक बनाना था, मतलब शेक करना था, लेकिन वो भी भूल गया। वेल डन, ऐसा करते हैं वो कल कर लेंगे, टाइम भी थोड़ा कम है। आज हम रोबसा लेके आए, वो वैसे भी रोबसा लेके आए तो रोबसे की शरबत कर लेंगे, और साथ में दूसरे में क्या कह रहा था, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल लेकर चाय पत्ती और दूध, जो हमारी रमजान इफ्तारी के बाद जो चाय पीनी होगा ना वो सबसे जरूरी चीज वो है, चाय, एक कप चाय, तुम क्या जानो एक कप चाय का क्या, एवरीथिंग बेटर वन कप ऑफ टी। ओह एवरीथिंग मेक बेटर इज वन कप ऑफ टी। अब कुछ समझ आई है? पता नहीं मैंने भी सही बोला है शापर पाड़ा, लेकिन जो ही बोल दिया बोल दिया। आहा बहुत चंगा ना मैं। और क्या डालना है बताओ मुझे ना यार, सिर्फ बस मुंह ढाके वीडियो देख लेते हो, डालना क्या है ये बताओ मुझे, सही सही में करा सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं यार ये मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा डाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा डाल दिया, 4-5 गिलास शरबत बनाना है उसमें, मैंने बताना नहीं है किसी को। A few moments later. तो बाकी ये सीन अभी चल रहा है, काम थोड़ा ज्यादा इसलिए ब्लॉग बनाने का थोड़ा मौका नहीं मिल रहा था, नमाज नमाज वगैरह भी हम पढ़ के आ गए हैं, असर की नमाज पढ़ने गए थे, नमाज क्योंकि जरूर पढ़ा करो, आपको भी मैं ये सलाह दूंगा क्योंकि रमजान में मतलब रमजान नमाज वैसे ही पढ़नी चाहिए, लेकिन रमजान में मैं कहता हूँ कि नमाज किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। बेशक सही बात की है, बेशक जब हम कई बात कहेंगे तो वो गलत हो सकती है। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती। जैसे कहते हैं सीन में रेडी करके ना उसके बाद मैं आपको सीन दिखाता हूँ, बाकी मैं फोन रख रहा हूँ और बाकी का सीन मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, जब सबको रेडी हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। ओके गाइस, सो फाइनली हमारे चावल है वो पक चुके हैं, अभी देखते हैं क्या सीन है। उठाओ, ओ तेरी ओए ओए क्या हो गया भाई, भाई क्या हो गया, इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। खैर वो थोड़े नीचे लग गए हैं, लेकिन खैर है अब लड़के हैं इतना तो हमसे भी गलतियां होंगी, ठीक है बात तो सही है। ला,
moments later. Okay, यार guys, finally अफ्तारी हो गई है और फिट हो गया सब कुछ ही है. Honestly, बात बताऊँ तो पुलाव में सही चल सही है सीरियसली. बाकी हम हॉस्टल की लड़की हैं और फ्लैट में हमारा यही सीन होता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है. बाकी रोज़ के रोज़ हम डेली बाहर अफ्तारी कर नहीं सकते क्योंकि खर्चा ही बहुत हो जाता है फिर. ठीक है, सच्ची बात है, होनेस्टली बात बता रहा हूँ. लेकिन फिलहाल नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेट हो रही हैं, तो बस इस ब्लॉग को मैं करता हूँ ये पे खत्म. उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में. उम्मीद है आप लोग को आने वाले ब्लॉग भी सारे पसंद आएंगे. इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान.